सो टेक फैमिली, गेमिंग लैपटॉप की बात करेंगे। लाइक अगर आपका बजट 70,000 से लेके 80,000, अगर आप अपना बजट लेकर जा रहे हो, इतने प्राइस रेंज में टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप पर रिकमेंड करने वाला हूँ। बात करते हैं नंबर 3 की। सो नंबर 3 की बात करते हैं, लेकिन नंबर 3 की बात करने से पहले एक बेसिक क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि हमें लैपटॉप में चाहिए ही चाहिए। अगर आपको AMD की ओर से CPU चाहिए ना, तो 6th जनरेशन मिनिमम होना चाहिए। अगर Intel की ओर से चाहिए तो 12th जनरेशन जो CPU है हमें मिनिमम मिलना ही चाहिए लैपटॉप में। अगर मैं रैम की बात करूँ, 8GB रैम तो होनी चाहिए, प्लस 32GB रैम अपग्रेड करने का हर एक लैपटॉप में मिलना चाहिए। उसके साथ साथ DDR5 रैम हो तो प्लस पॉइंट है, अगर DDR4 मिल तो ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हमें इतने प्राइस रेंज में DDR5 रैम ही मिले लैपटॉप में। एंड जो SSD है 512GB मिनिमम होनी चाहिए, वो भी अपग्रेड करने का ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। एंड इतने प्राइस रेंज में RTX 1350 4GB GPU हर एक लैपटॉप में वैसे मिल ही जाता है। तो ये थे एक बेसिक क्राइटेरिया। अभी हम बात करते हैं लैपटॉप की, तो नंबर 3 से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर मैंने रखा है Acer Nitro 5 को। तो यार ये मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है 70,000 से 80,000 के प्राइस रेंज में। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका बजट जो है ना वो ऊपर नीचे जाता रहता है। ये आपको 73,000 के प्राइस रेंज में भी मिलेगा, ये आपको 78,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि Amazon पे प्राइस फिक्स नहीं होता, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। अभी जब मैंने इसका प्राइस देखा था ना भाई, 78,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में Amazon पे देखने को मिल रहा था। तो अगर आपको बाय करना है, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले है, 144 रिफ्रेश रेट के साथ i5-12500H सीरीज का CPU मिलेगा, 12 कोर का ये CPU है, 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD, RTX 1350 4GB GPU मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, ऑल नेसेसरी पोर्ट इस लैपटॉप में मिल जाएंगे, 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, वाईफाई 6 की सपोर्ट, Xbox गेमिंग पास अल्टीमेट भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या कोई भी हाई सॉफ्टवेयर या हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है ना भाई, आप इजीली नॉर्मली हैंडल कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्ट सेलिंग या मोस्ट डिमांडिंग लैपटॉप है इतने प्राइस रेंज में। एंड इसका हीटिंग इशू इस लैपटॉप में नहीं आता, वो दिक्कत नहीं है। एंड कस्टमर रिव्यू जो है ना, वो सभी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं Acer Nitro 5 में। बहुत लोग ये पसंद करते हैं यार लैपटॉप, आंख बंद करके जा सकते हो। आगे बात कर लेते हैं अभी नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर मैंने रखा है Asus TUF-F15 को। तो यार ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, मतलब हर एक लैपटॉप का ना मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड नहीं देखने को मिलता, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। सारे टेस्ट कंपनी की ओर से इसके हुए हैं, तभी ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं, 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले है, 144 रिफ्रेश रेट के साथ i5-12500H सीरीज का CPU मिलेगा, सेम CPU जो Acer Nitro 5 में देखने को मिल रहा था, 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, RTX 1350 4GB GPU मिल जाता है, ऑल नेसेसरी पोर्ट है, 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप, RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 की सपोर्ट है, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, प्राइस इसका 75,000 देखने को मिलेगा Amazon पे। मैंने पहले भी बोला था आपको कि प्राइस फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे जाता रहता है। वीडियो के एंड में कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इन तीनों में से आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी, अगर आपको गेमिंग करनी, अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है। कंक्लूजन वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला। अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है Dell G15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 72,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अभी Amazon पे अवेलेबल है। यार इसका बजट बहुत ज़्यादा सही है, एंड इसके स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले, 120 रिफ्रेश रेट के साथ i5-12500H सीरीज का CPU देखने को मिलेगा, सेम CPU है जो Acer Nitro 5 में या Asus TUF-Dash में देखने को मिल रहा था, ठीक है। प्लस पॉइंट की बात करता हूं अभी, इसमें आपको 16GB रैम देखने को मिल जाती है भाई, DDR4 नहीं मिल रही, DDR5 रैम मिलती है। तो इसकी परफॉर्मेंस मच बेटर होने वाली है Acer Nitro 5 से एंड Asus TUF-Dash से, ठीक है। 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD, RTX 1350 4GB GPU, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड के साथ देखने को मिलेगा, ऑल नेसेसरी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप, एंड MS Office 2021 भी इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। तो ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, आपको चाहिए, गेमिंग करनी चाहते हो, या फिर अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, एज अ क्रिएटर काम करना है, ये लैपटॉप भी आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। तो यार मैंने टॉप 3 लैपटॉप रिकमेंड कर दिया। अभी कंक्लूजन की बात करता हूं, मेरी ओर से आपको रिकमेंड यही है कि आप Dell G15 की ओर ही जाओ, बिकॉज
कम प्राइस रेंज में एक अच्छे स्पेसिफिकेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। इससे नीट्रो 5 की ओर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन अभी उसका बजट बहुत ज्यादा है। असूस टफ डैश में हीटिंग इशू आता है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये था मेरा कंक्लूजन एंड ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।